ईशान ने दे डाली है सभी को बहुत बड़ी वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा कैसे सभी ईशान एक दूसरे से आपस में झगड़ते हुए नजर आएंगे। जहाँ फैंस को उम्मीद थी कि सच सामने आएगा तो ईशान सभी का सपोर्ट करेगा, अपने परिवार के खिलाफ जाएगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। आप देख सकते हैं कैसे ईशान सभी के ही खिलाफ होता हुआ नजर आया है और साथ ही उसने सभी को वार्निंग भी दे डाली है। अब इसके बाद सीरियल की कहानी कौन सा मोड़ लेगी, चलिए बताते हैं। वह सबसे पहले आज आप देखेंगे जहाँ सभी सबके सामने भोसले परिवार का भांडा फोड़ देती है तो ईशान सभी पर भड़क जाता है। वहीं जब पुलिस वाले कहते हैं कि पूछताछ के लिए हमें यशवंत को पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा तो इस पर ईशान कहता है, नहीं मेरे काका साहब नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, जब तक मैं हूँ तब तक मेरे होते हुए मेरी फैमिली पर कोई आंच भी नहीं आ सकती है। सभी ये सब ड्रामा देख रही है, साथ ही यशवंत जिस तरह से सभी को घूर के देख रहा है, सभी व्यू से घूर के ही देख रही है। वहीं आप देख सकते हैं कैसे ईशान जो है पुलिस वालों के साथ चला जाता है, जिसके बाद निशिकांत तुरंत अपने रूम में जाता है और उस गुंडे को कॉल करता है और कहता है, तू मुझे ये बता, मैंने तुझे सिर्फ ईशा को डराने धमकाने के लिए कहा था, उससे वो फाइल्स छीनने के लिए कहा था, जिसकी वजह से हमारी फैमिली आज इतनी मुसीबत में फंस गई है, तो तूने उस पर बंदूक क्यों चलाई? इस पर वो गुंडा कहता है, मैं तो वहाँ पहुँचा ही नहीं था, मुझे नहीं पता कि ईशा पर बंदूक किसने चलाई है। इस बात से आप देख सकते हैं कैसे निशिकांत परेशान हो जाता है कि आखिर उसके गुंडे ने बंदूक नहीं चलाई तो किसने चलाई है। वहाँ आप देख सकते हैं कैसे सब परेशान है। सुरेखा यशवंत दोनों अंदर कमरे में है, आमने सामने खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, जहाँ यशवंत सुरेखा से कहता है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना होगा ताकि जिन गुंडों को हमने बोला था उसको मारने के लिए, उन गुंडों से लेकर हर किसी को हमें पैसे देकर उनकी बोलती बंद करानी होगी, क्योंकि इस पुलिस वाले के हाथ में अब वो रिपोर्ट लग चुकी है और वो सभी जिस तरह से हमारे पीछे पड़ी है वो हमें छोड़ेगी नहीं। उन दोनों की टेंशन का लेवल अलग है। वहीं आप देख सकते हैं कैसे ईशान पुलिस वाले के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है, जहां पुलिस वाले ईशान से बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हैं। पुलिस वालों को शक हो चुका है कि ईशान और उसकी फैमिली ने ही मिलकर ईशा पर गोली चलवाई है, लेकिन यहां आप जानते हैं कि ईशान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि ईशान बेगुनाह है और ईशान जो है उसको ये भी नहीं पता कि उसकी फैमिली उसके पीठ पीछे क्या कर रही है। वहीं बात करें सभी की तो सभी भी ठान चुकी है कि वो सच को सबके सामने एक्सपोज करके ही रहेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, जहां ये दोनों आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं तो इनकी कहानी कैसे एक होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।